जेल में 2 दिन के अंदर दो भाइयों ने नदी में कूद कर खुदकुशी कर ली। शनिवार को बड़े भाई दवा व्यवसायी प्रवीण चौहान ने पुल से शिप्रा नदी में छलांग लगा दी थी। बाद में उनकी मौत हो गई थी। सोमवार को छोटे भाई पीयूष चौहान ने नदी से कूद कर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा शव को नदी से निकाला जा रहा है। दोनों भाइयों की खुदकुशी की वजह कर्ज थी और वह सूदखोरों से परेशान थे। पीयूष की फेसबुक पोस्ट से ये साफ हो गया है कि वह कर्ज और सूदखोरी से परेशान थे। बड़े भाई प्रवीण चौहान का एक पेज का सुसाइड नोट भी सामने आया है, जिसे खुद पीयूष ने फेसबुक पर पोस्ट किया है। इसमें स्पष्ट है कि वह सूदखोरी और कर्ज से परेशान थे। पीयूष ने बड़े भाई प्रवीण चौहान की मौत के बाद सोशल मीडिया पर लिखा था कि कलेक्टर साहब और एसपी साहब सूदखोरों से आज एक और जिंदगी खत्म हो गई। प्रवीण चौहान और वो मुझ पागल पीयूष चौहान का भाई था। अब आप अपनी कानून व्यवस्था को संभाल लो, सूदखोरों और ब्लैकमेलरों को तो मैं संभालने आ ही रहा हूं।